छोटे बड़े शहरों में इस कदर ट्रैफिक बढ़ रहा है कि गाड़ी चलाने के लिए जगह ही नहीं है। गाड़ियां, रिक्शा, टू व्हीलर्स की वजह से सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए जगह कम होती जा रही है। इतनी भीड़ भाड़ की वजह से गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। उसके ऊपर से ये क्रिमिनल लोग, ये लोग गाड़ी में बैठे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाए इसके नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। सिग्नल पे गाड़ी रुकी नहीं कि चारों तरफ से तरह तरह के लोग टूट पड़ते हैं आपकी कार पे। इसमें अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, भिखारी हैं, पेपर और सामान बेचने वाले हैं, और क्रिमिनल्स भी हैं। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए आपको। कभी आपने कहीं गाड़ी पार्क कर दी, ड्राइवर को कार में बिठा के आप किसी मॉल में गए या किसी दुकान में गए, कार की पिछली सीट में कीमती सामान छोड़ गए, सबको दिख रहा है कि कार के पीछे वाले सीट में बैग या लैपटॉप वगैरह रखा हुआ, थोड़ी देर के बाद कहीं से एक आदमी आया, उसने ड्राइवर को दूर से कहा कि जमीन पे देख। वो जमीन पे देखता है, कुछ नोट गिरे हुए हैं। 5-6 नोटों को देखकर उसे लालच आ गया, वो कार से उतरा, नोट उठाने लगा, और जब थोड़ी देर बाद वो कार में आके बैठा तो देखा कि सामान गायब। 30-40 रुपयों के लालच में हजारों रुपयों का सामान गायब कर दिया। इस केस में, ये जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें कहीं से नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हुआ। गाड़ी में कहीं से लाश नहीं आई, बल्कि खून आया। खून कहां से आया पता ही नहीं चला। थोड़ा बहुत होता तो मान भी लेते कि अनजाने में कहीं से आ गया होगा, पर इतना सारा खून, आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ इसके साथ। बरसात के मौसम में पतझड़। साहब जी, ये वॉचमैन इतना चला कर, साहब जी खून, ये माय गॉड, ये मेरी गाड़ी पे खून कहां से आया? हे भगवान, अब तो दे दे, इतनी सारी बॉटल्स पी चुका हूं, पेट फटा जा रहा है, अब और नहीं पी सकता। मुझ पे तरस खा ले भगवान, इस बॉटल के ढक्कन पे। मेरा बैड लक ही खराब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज ये चांद कहां से निकला भाई? ये आवाज कैसी? पता नहीं आवाज कैसी। अब ये दिए, ब्यूरो की दीवारें क्यों हिलने लगी? सर मैं तो गिरते गिरते बच गया। हाथ कहाँ से आ गए ब्यूरो पे? एक मिनट, पेड़ी क्या पेड़ी? अभी तो ठीक है तुम्हारी। सर विवेक ने पेपर में एक एड पढ़ी थी सर, उसमें लिखा हुआ था जिस आदमी को कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल के ढक्कन पे बिस्ट लिखा हुआ मिलेगा ना, वो इंग्लैंड जाएगा 2020 वर्ल्ड कप देखने। मैं तो 50-60 बॉटल पी गया। मगर सर वर्ल्ड कप तो खत्म हुआ है, तो 2 हफ्ता हो गया है सर। विवेक ने फिर से मेरा उल्लू बना दिया। Hey Fredericks, तुम घर चले जाओ, नहीं तो ब्यूरो की सारी दीवारें गिर जाएगी। चलो जल्दी जाओ। संभाल। हेलो CID ब्यूरो, ACP प्रतिमा नहीं है? Cool. Cool.
सर जिस तरीके से खून के धब्बे गिरे कार के छत पे देखकर तो ऐसा लगता है कि ऊपर से गिरे होंगे। ऊपर तो सिर्फ छत है टेरेस। अभिजीत सर टेरेस पर जाकर देखो देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। खून देखकर लगता है ये ज्यादा ताजा नहीं है लेकिन इतना पुराना भी नहीं लग रहा है सर। सर हाँ सर यहाँ छत पे तो खून का कोई भी निशान नहीं है। मिस्टर राहुल कार के ऊपर ये खून के निशान आपने कब देखा? जी आज सुबह। कल जब वॉचमैन ने गाड़ी धोई थी तो ये खून का धब्बा यहाँ पर नहीं था। आज सुबह धोते वक्त इसने देखा और मैंने आपको फोन किया सर। इसका मतलब सर कल दिन में या रात में ही ये खून कार के छत पे गिरी होगी। अच्छा वैसे कल आप अपनी गाड़ी लेके कहाँ कहाँ गए थे? सर कल मैं स्टाइल मॉल गया था, वहाँ पे मैंने दो से पाँच फिल्म देखी। सर उसके बाद मुझे कुछ डीवीडीज चाहिए थी तो मैं पास के बाजार में गया। वहाँ पर एक जगह सर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, उसके बाद डीवीडी लाइब्रेरी गया, फिर मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए थी तो केमिस्ट के पास गया और उससे सीधा घर आ गया मैं। ठीक है हम लोग बाजार में चलकर देखते हैं जहाँ पर इन्होंने गाड़ी पार्क की थी। चलो हमारे साथ राहुल। फ्रेडरिक्स डॉक्टर के पास जाओ और तुम्हारे इस डकार का इलाज करवाओ समझे? गया था सर डकार सुनते डॉक्टर भाग गया। आइए सर यहाँ आइए सर। कहाँ पे खड़ी की थी? सही है पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी यहाँ। हाँ सर तुम्हें ठीक से याद है ना गाड़ी यहीं पे खड़ी की थी तुम? हाँ सर मुझे अच्छी तरह से याद। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे खून कहाँ से आया? यहाँ इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, खून गिरेगा तो जरूर कोई ना कोई तो देखेगा। सर मेरा यकीन मानिए मैंने यहीं पर गाड़ी पार्क की थी सर, मुझे नहीं मालूम खून कहाँ से गिरा। सर अगर खून जमीन पे गिरा होगा तो बारिश के पानी से धुल भी गया होगा। यहाँ आने से पहले तुम शॉपिंग मॉल में गए? अभी शॉपिंग मॉल चलो। सर मैंने यही कहीं पे अपनी गाड़ी पार्क की थी सर। ध्यान से याद करो कहाँ पे? सर यहाँ यहाँ पे यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी सर। सर यहाँ सर फेस यहाँ पे था। हाँ सर यहाँ पे। यस सर। अच्छा हो अभिजीत दया ये देखो जल्दी से सीढ़ी लेकर। यस सर। अरे लाश इतनी ऊपर पहुंची कैसे? ये पार्किंग लॉट तो एकदम खुला खुला है, बॉडी ऊपर रखते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जिस किसी ने भी लाश को ऊपर रखा कैसे। संभाल जय संभाल। अगर खून लाश से टपका है तो यहाँ जमीन तो एकदम खाली है, जमीन पे खून का बिल्कुल निशान नहीं। इसका मतलब कार आने के बाद ये बॉडी ऊपर चढ़ाई गई है। एक संभाल संभालो पकड़ लिया। ये तो कौन है तुम जानते हो इसे? सर ये तो अतुल सर है, इस मॉल के मालिक और निहार सर के पार्टनर। इस मॉल के मालिक और अपने ही मॉल में खून हो गया इनका? ये निहार सर तुम्हारे इनके बिजनेस पार्टनर। कहाँ है वो? सर वो मॉल में ही है। बुलाओ जल्दी उन्हें। सर मैं बुला के लाता हूँ। जल्दी लाओ। सर तो ये देखिए नाक से खून निकल रहा था। आपने क्या बताया था कितने बजे आए थे आप यहाँ पे पार्किंग लॉट? तब दो से साढ़े पांच बजे तक।
सर 5 बजे फिल्म छूटी और आधा घंटा मुझे नीचे आने में लगा। तो दया इसका मतलब है ये लाश 2 और 5:30 बजे के बीच में मतलब उन 3.5 घंटों में रखी गई है। कमाल है सर, इतनी भारी लाश खूनी ऊपर रख के चला गया और किसी ने देखा तक नहीं। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज। ये इसे किसने मार डाला? वही हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अतुल के बिजनेस पार्टनर हैं? जी हाँ। आपने आखिरी बार कब देखा था अतुल को? सुबह 11:30 के करीब। 11:30 के करीब मतलब ये खून 11:30 बजे के बाद ही हुआ है। मिशन यार, शॉपिंग मॉल से यहाँ इस पार्किंग लॉट में आने के लिए रास्ते कितने हैं? स्टेयरकेस और एलिवेटर। ठीक है, प्रेडिक्स फोरेंसिक लैब में भेज दो लाश। यस सर। अच्छा, आप चलिए हमारे साथ, चलो दिखाओ, चलो। दे सर। तशा, तुम लोग इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये लिफ्ट चेक करो, तब तक हम लोग यहाँ स्टेयरकेस देखते हैं। यहाँ स्टेयरकेस पे तो खून का कोई निशान दिख नहीं रहा है। हाँ, और वैसे भी कोई किसी लाश को यहाँ से घसीट कर लेकर जाता तो कोई ना कोई निशान तो जरूर मिलता। आ गया। बस लगता है इस बार तुम फंस गए। क्यों, लाश के मुंह में लिखा हुआ है क्या कि हम फंस गए? हाँ। कहाँ लिखा है दिखाओ। यही तो प्रॉब्लम है बॉस, लाश पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ना तो इस बॉडी पर गोली लगने का कोई निशान है, ना ही चाकू का कोई निशान है। इसकी बॉडी पर आगे कोई चोट लगने का निशान भी नहीं। हाँ, इसके पीछे की तरफ यहाँ ये कुछ निशान है, लेकिन ये चोट पाइप की है। लगता है बॉस ये आदमी अपने आप मर गया और आप लोगों ने समझा इसका खून हो गया। संघ, अगर ये अपने आप मर गया तो फिर ये शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में पाइप के ऊपर क्यों सोया हुआ था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सर, अगर ये आदमी अपने आप मरा होता तो इसकी लाश वहां पाइप के ऊपर कैसे छिपी मिलती और इसके नाक से खून कैसे निकलता? क्यों, कभी कभी नेचुरल डेथ में नाक से खून नहीं निकलता है क्या? नहीं, हो सकता है कि इसे जहर दिया गया हो। यही प्रॉब्लम है बॉस, इसकी बॉडी पर जहर का कोई सिम्टम नहीं। देखो, ना तो इसके होंठ नीले हुए ना इसके नाखून नीले हुए, मुंह पे कोई झाग का निशान भी नहीं। हाँ, इसकी बॉडी काट करके देखूंगा तो पता लगेगा अंदर कोई चोट का निशान है। सर, वो कोल्ड ड्रिंक की वजह से। सर यार फ्रेडी, तुम्हें जो आवाज निकालनी है ना एक बार निकाल लो बस, प्लीज। ये आखिरी थी सर, अगली बार पकड़ के रखूंगा। सर, वो निशान जो हमें हाथ पे मिला है वो कैसा निशान? सर, ये तो किसी इंजेक्शन का निशान लगता है। हाँ, इंजेक्शन का ही निशान। देखो भाई, पहले भी एक केस ऐसा आया था जिसमें किसी ने एक आदमी को इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर के बाद वो आदमी मर गया। मैं बाहर जाता हूँ सर। आप क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब, इंजेक्शन से खून? हाँ, इंजेक्शन से मौत। तो क्या था इंजेक्शन में? हवा। हवा? सर आप मजाक कर रहे हैं। नहीं ताशा, मजाक नहीं। किसी ने इंजेक्शन के जरिए हवा का बुलबुला शरीर के अंदर छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद वो आदमी मर गया। तो इसका मतलब है इसकी मौत वैसे हुई है ना? शायद, पक्का नहीं। शायद? यार सांग के शायद का क्या मतलब है, किसी एक बात पर तो अटल रहो। अच्छा ये बताओ, इसकी मौत कितने बजे हुई? 12 बजे। और नाक से खून बहना शुरू हुआ उसके लगभग 1 घंटे के बाद, मतलब 1 बजे। तो लेकिन जो खून लिफ्ट में मिला था वो खून अतुल का ही है। मतलब बात एकदम साफ है सर, मरने के बाद अतुल की लाश लिफ्ट के अंदर थी। हम, अगर राहुल तो कह रहा था कि उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट में 2 और 5:30 बजे के बीच में खड़ी थी,
और खून बहना शुरू हुआ 1 बजे, तब तो हमें वहां खून दिखना चाहिए था। अच्छा, 1 और 2 बजे के बीच में जो खून बहा वो कहां गया? काश मैं इस लाश से पूछ सकता। सर, जब राहुल की कार वहां पे आई और वो मॉल के अंदर गया, तब ये लाश वहां पे लाई गई है और पाइप के ऊपर चढ़ाई गई। इसका मतलब है अभिजीत, लाश 12 और 2 बजे के बीच में कहीं और थी। अभिजीत, कमाल की बात यह है कि लाश यहां लाई गई, फिर पाइप के ऊपर छुपाई गई, इतना सब कांड हुआ मगर किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सर, देखा है जरूर, किसी ना किसी ने तो देखा है, लेकिन या तो वो भाग गया है या फिर किसी ने इनका मुंह बंद कर रखा है। सर, यहाँ के सभी स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉचमैन से पूछताछ कर ली सर, सब लोग एक ही पिन बजा रहे, किसी ने कुछ नहीं देखा। भाभी, भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को। सर, अतुल की वाइफ है नेहा और अतुल का भाई रॉनी। सॉरी, हमें बहुत दुख है। चाहे जो हो जाए, प्लीज अब उस खूनी को जरूर ढूंढ के निकाल, छोड़ना मत उसे। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। सुना है किसी पाइप के ऊपर रखी थी बॉडी? यहाँ, इस पाइप पे। यहाँ पे? अच्छा, आप लोग जरा ध्यान से सोच के बताइए, आप लोगों के किसी पे शक है? लेकिन अतुल भैया ने तो आज तक किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है। देखो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, स्टाफ से, फिर से पूछ रहा हूं, जो कुछ भी है बिना झिझकते बिना घबराते सच सच बता दे। कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। चलो बताओ, आप में से किसी ने अतुल को आखिरी बार देखा था 11:30 बजे के बाद? कुछ नहीं होगा तुम्हें? साहब, मैंने। तुमने देखा था? आओ बाहर, आओ यहाँ, बताओ क्या देखा था। जी, एक्सकलेटर के पास किसी से फोन पे बात कर रहे थे उस वक्त। ये कितने बजे की बात है? यही कोई 11:30 बज रहे थे सुबह के। अच्छा, 11:30 बजे। उसके बाद में अतुल साहब कहाँ चले गए, कुछ देखा तुम? साहब, मैं अपने काम में लग गया था, फिर वो कहाँ गए मुझे पता नहीं। यही तो बात है, इतना सब हुआ मगर किसी ने कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, तुमने अच्छी तरह से देखा, छोटी सी छोटी चीज भी नजर से बचनी नहीं चाहिए। यस सर, मैंने हर चीज को बहुत अच्छी तरह से देखा है। चलो इस तरफ देखते हैं। सर, तो ये देखिए, लगता है वो यहीं से निकला होगा सर। चोट लगी है, फिर भी चला जा रहा था। हेलो सर, सर यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कुछ मिला है सर? हाँ सर। सर आप ऊपर आ जाइए लिफ्ट के पास। ये खून के निशान या लिफ्ट के दरवाजे से होकर यहाँ कॉरिडोर की तरफ बाहर जाते हैं सर। ये देखिए, खोलो जरा। लगता है अतुल की लाश को इसमें रखा गया था 12 से 2 बजे के बीच में। हाँ सर, और फिर जब सिक्योरिटी वालों का लंच ब्रेक हुआ
तब उसी वक्त उसने लाश बाहर निकाली होगी और पाइप पे जाके रख दी होगी। तशा एक काम करो। यस सर। इस अलमारी पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं, सब के सब उठाओ। अभिषेक, लाश लाई तो लाश लाई कैसे होगी? अगर लाश को घसीट कर भी लेके जाता तो ये खून के निशान घसीटने के जैसे होते, और अगर उठाकर भी लाता तो आदमी हट्टा कट्टा होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा। सारुंगे, हाँ सारुंगे, हाँ। यो सारुंगे, तारिका, कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं सर, इस निशान की लंबाई देख के तो लगता है कि इसे किसी टोकरी में लाया गया है। टोकरी में? कैसी टोकरी? सर, मॉल्स में जो सामान ले जाने वाली ट्रॉली होती है, शायद उसी में इसे ले जाया गया था। तो सारुंगे, ये निशान तुम्हें पहले दिखाई नहीं पड़ा? दिखा था बॉस, लेकिन तब हमने सोचा कि ये निशान शायद गिरने की वजह से या पाइप के ऊपर रखने की वजह से आए, लेकिन जब ये गौर से देखे ये निशान, तो लगा कि शायद कुछ जाली जैसा है। हाँ, इस जाली जैसे निशान को देख करके ही लगा कि शायद ये किसी ट्रॉली में रखा था। वाह, क्या कहने तारिका जी, कमाल कर दिया आपने। एक निशान देख के बता दिया कि ये लाश कहां पे थी, है ना सर? देखा, इसे कहते हैं डिटेक्शन। बाय द वे, तारिका जी सिर्फ नाप ले रही है निशान का, ताकि आप लोगों को यह बताया जा सके कि ट्रॉली का साइज क्या था, बाकी सब काम बंदे ने किया है, समझे? जी सर, सालुंके सर ने। पर सालुंके साहब ने पहले तो कुछ नहीं बोला था। क्योंकि सालुंके सर भगवान नहीं है, इंसान है। हो गया? हाँ, हो गया। तो सालुंके, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लाश को स्टोरेज रूम से लिफ्ट तक ये ऐसे वाले ट्रॉली में डालकर लाया गया? बिल्कुल, और इसी बीच लाश में से खून निकलना शुरू हुआ। सर, लिफ्ट में खून मिला था, तो हो सकता है उस ट्रॉली पे भी खून गिरा होगा। हमें वो ट्रॉली ढूंढनी चाहिए सर। हाँ सर, शायद उस ट्रॉली पर से हमें उंगलियों के निशान मिल जाए उस आदमी के जिसने ये खून किया है। और जब निशान मिल जाए तो थैंक यू बोलना डॉक्टर सालुंके। रेडी, अगर वो लाश ट्रॉली पे ले जाई गई है ना, तो इस पे खून का निशान जरूर मिलेगा। आप चिंता मत करो सर, मैं दो ट्रॉली ढूंढ के निकालूंगा। दो ट्रॉली? लाश का दो दो ट्रॉली में लेके गया होगा, तुम एक ही ढूंढ लो, काफी है। ठीक है सर। और देखो, अगर वो ट्रॉली मिल गई ना, तो उस पे जितने भी उंगलियों के निशान होंगे वो सब उठा लेंगे हम लोग। सर, ट्रॉली पे तो 500 लोगों के उंगलियों के निशान होंगे सर। 50 लोगों के होंगे, लेकिन उसमें से खूनी का भी होगा, समझे? बड़ा टेढ़ा काम है सर। एक एक करके एक एक आदमियों के उंगलियों के निशान ढूंढो, उसको अलग करो, फिर उसमें से खूनी की निशान ढूंढ के निकालो। बाद में पता चलेगा सर कि खूनी कोई लड़की ही है। लड़की? ये बात तुम्हारे दिमाग में कहां से है? सर, ज्यादातर शॉपिंग लड़कियां ही करती है। मिल गया सर। कहां पे? ये देखो सर, ये देखो। गुड जॉब रेडी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अभिजीत, प्रेडिक्स ने वो ट्रॉली ढूंढ कर निकाली? यस सर, प्रेडिक्स के पत्तों में भी कभी कभी इक्का और बादशाह आ जाता है। एक्सलेंट वर्क प्रेडिक्स। चलो, ये तो कंफर्म हुआ कि लाश को उस ट्रॉली में से ही लाया गया है ना। तो अभिजीत, अतुल इस जगह पे खड़ा था 11:30 बजे, फोन कर रहा था, और उसकी लाश मिली है हमें पार्किंग लॉट में। बिल्कुल, इसका मतलब वो इसी रास्ते से गया होगा। तो डॉक्टर सालुंके कह रहे थे कि अतुल की मौत 12 बजे हुई थी, इसका मतलब है सर 11:30 और 12 के बीच में ये दोनों, अतुल और उसका खूनी, यहाँ इस कॉरिडोर में मौजूद है। और सर, इस एस्केलेटर पे जहाँ पर अतुल बात कर रहे थे, ठीक 11:30 बजे वहाँ से स्टोरेज रूम जहाँ पर कबर्ड रखा हुआ, वहाँ जाने का तो एक ही रास्ता है। राइट, मतलब साफ है, अतुल और वो खूनी, या फिर अतुल की लाश और वो खूनी यहीं से आए और इसी कॉरिडोर से गए होंगे पार्किंग लॉट। तो जब वो जा रहे थे तो आसपास के दुकानों में से किसी ने तो उनको देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। सर, फूड बाजार उस तरफ है, वो खूनी ट्रॉली लेके इस तरफ से आया और कॉरिडोर में गया, तो खूनी को और ट्रॉली को, खाली ट्रॉली को तो किसी ने देखा ही होगा। बिल्कुल, तो चलो आसपास के सारे दुकानों में जाकर पूछताछ करते। हाँ, फैल जाओ सब लोग।
तो उसे नहीं देखा सर। चलो कोई बात नहीं, उस तरफ की दुकानों में गए थे। चल चलो ठीक है, हम लोग चलते। कुछ पता चला सर? बस कोशिश जारी है। एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा कोई आदमी याद आता है जिसका बर्ताव थोड़ा सा अजीब सा हो? मतलब? मेरा मतलब है ऐसा आदमी जो जो यहाँ पर कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं आया हो, बल्कि बस यू नो ऐसे ही। सर मॉल में तो ज्यादा लोग यूं ही तफरी करने के लिए आते हैं या फिर यहाँ पर बैठ के गप्पे मारने के लिए। अच्छा, किसी को ट्रॉली ले जाते देखा क्या? अब सर जो सामान लेगा वो ट्रॉली लेके तो जाएगा ही सर। नहीं नहीं, खाली ट्रॉली बिना सामान के, ऐसा कोई आदमी? बिना सामान के? अरे हाँ सर, याद है सर, वो सर एक आदमी कल मॉल से खाली ट्रॉली लेके जा रहा था सर। तुमने उससे कुछ पूछा नहीं? सर मैंने उससे मजाक किया था कि खाली ट्रॉली ही लिए जाओगे या फिर कुछ खरीदोगे भी। अच्छा, उस आदमी के बारे में कुछ और याद है, कुछ बता सकते हो उस आदमी के बारे में? सर सर उसके जूते बहुत आवाज कर रहे थे सर। आवाज कर रहे थे? कैसे जूते थे ये, कुछ ब्रांड या कुछ याद है आपको? जी हाँ, मतलब एकदम नए जूते थे और वो नई कंपनी के। कोई ब्रांड कुछ याद है आपको? ग्लोबो सर, ग्लोबो। ग्लोबो, BLOBO, ग्लोबो। जी हाँ बिल्कुल, ग्लोबो। पता करते हैं। जूते अच्छे पहने हैं आप लोगों ने। अच्छा, कभी हमने झांका ही नहीं अपने जूते की तरफ। फिर भी जूते दिखाऊं या फिर? टायर शूट वाले लोग जूते ही खरीदेंगे ना, चलो जाओ यहाँ से। सॉरी सर, एक्चुअली नया है ना इसके लिए। कोई बात, देखो हम लोग CID से। ये बताओ, ये ग्लोबो ब्रांड के जूते सिर्फ यहीं पर मिलते हैं? हाँ सर, आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बाजार में उतरा है और सिर्फ इस वक्त हम लोग ही ग्लोबो ब्रांड के जूते बेच रहे हैं। ग्रेट, इसका मतलब अब तक जितने लोगों ने भी ये जूते खरीदे हैं ग्लोबो के, वो सिर्फ आपकी दुकान से ही खरीदे हैं। हाँ सर, आप ही खरीदिए ना, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के जूते हैं। देखिए, क्या आप हमें उन कस्टमर्स के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने ये वाले जूते आपके यहाँ से खरीदे हैं? हाँ सर, लकीली जिन लोगों ने भी जूते खरीदे हैं सबने कार्ड से पेमेंट दिया है। एक्सलेंट, तो फिर हमें उन लोगों की लिस्ट दे दीजिए। ओके सर, जरा प्लीज जल्दी। ऐसे वाले जूते क्यों नहीं पहनते? ये लीजिए सर। थैंक यू। इन सबको ट्रेस करो और फोरेंसिक लैब में लेकर आओ, इनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। मैंने तो आज से कसम खा लिया। क्या? मैं जूते पहनूंगा ही नहीं। क्यों? 6 महीने में एक जूता खरीदा, उसमें भी CID वालों ने पकड़ लिया। अरे एक खून हुआ है, इसीलिए पकड़ा है। तो क्या जूते पहनने से खून हो जाता है? काम करते हैं हम, जूते पहनना ही बंद कर देते हैं। एक बात बताओ, कल को मैंने एक अंडरवेयर खरीदा, फिर से खून हो गया। तो क्या फिर से पकड़ लेंगे? अरे यार, अब क्या? आज फ्रेडी फंस गया। इन सबको बुलाने की जरूरत क्या थी? क्यों सर, कुछ नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेडी जाने दो भाई, इन सब लोगों को जाने दो। क्यों सर? अरे भाई, जो ट्रॉली पर से और कबर्ड में से तुम फिंगरप्रिंट्स उठा के लाए हो, वो इनकी किसी की उंगलियों से मैच नहीं करते, जाने दो। अरे ठीक है, तुम लोग जाओ। चलो छोड़ो यार, आज से जूते पहनना ही नहीं है। अरे क्या हो फ्रेडिक्स, किसने कुछ कहा? और ये क्या, जूता पकड़ के क्यों खड़े हो? सर यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हुए सर। अरे क्या, किसी के भी नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ गड़बड़ है? आर यू श्योर डॉक्टर साहब, कुछ गड़बड़ नहीं हुई? नहीं भाई, मैंने तो इस बार कोई गड़बड़ की नहीं है, और डॉक्टर तारिका तो गड़बड़ कर ही नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब यह है कि फ्रेडी कितने लोग थे? 7 लिस्ट में तो 8 थे ना। 1 मिनट सर। देखा, कहने भर की देर है और डॉक्टर तारिका ने कुछ ढूंढ ही निकाला। यस डॉक्टर तारिका सर, ये जो लिस्ट आप लाए थे उस जूते की दुकान से,
इसमें से रघु नाम का आदमी तो आया ही नहीं अपने निशान देने के लिए। आशा, तुमने रघु को फोन नहीं किया था? कहा था ना उसे यहाँ करके उंगलियों को निशान देने के लिए। सर, मैंने तो उसे बुलाया था सर। तो फिर वो आया क्यों नहीं? फोन लगाओ उसे जल्दी। यस। सर, वो फोन नहीं उठा रहा है सर। फोन उठा नहीं रहा है? मतलब कुछ गड़बड़ है। जी कहिए, क्या बात है? ये रघु यहीं पे रहता है ना? हाँ, पर वो तो अभी घर पर नहीं है। आप? मैं उनकी पत्नी सुनीता हूँ। सुनीता जी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। शिव भगवान, क्या किया है रघु ने? एक खून हुआ। खून? जी हाँ, और हमें शक है कि उस खून में रघु का हाथ है। कितना समझाया मैंने उसे, कितना समझाया, ये गलत काम से दूर है, वो मेरी बारी तंग था। गलत काम? कैसा गलत काम? उसके ऊपर जल्द से जल्द अमीर बनने का भूत सवार। इसीलिए उसने वार्ड बॉय की नौकरी भी छोड़ दी थी। कहता था मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करूंगा। वार्ड बॉय था सर, इसका मतलब उसे इंजेक्शन लगाना आता होगा। कैसा इंजेक्शन? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें सिर्फ इतना बताइए कि ये रघु कहाँ गया है, इस वक्त कहाँ है? रागरंग भवन। रागरंग भवन? हाँ, अभी कुछ देर पहले किसी का फोन आया था और रघु ने उसे कहा था कि सारे पैसे लेकर आना रागरंग भवन में। अब कितनी देर पहले यहाँ से गया था? जी कुछ 15 मिनट पहले गया होगा। कहाँ है ये रागरंग भवन? चौरास्ता रोड पर एक सिनेमा हॉल है, वही है। सर, रघु के घर हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते तो अच्छा होता सर। क्यों? यहाँ हम जल्दी आ जाते और शायद। तुम्हारे कहने का मतलब है कि रघु यहाँ पर नहीं है? फ्रेडरिक्स, अगर रघु को किसी ने यहाँ बुलाया है तो जरूर यहाँ पर हो। गोली की आवाज? गोली की आवाज स्टेटस है सर। सब लोग फैल जाओ सब लोग। आनी, आनी। सर? हाँ। सर ये देखिए। आनी, आनी। लगता है ये रघु है। पानी, जल्दी से पानी लेकर आओ फ्रेडरिक्स। किसने किसने मारा? वो कौन है? कौन है, किसने मारा तुम्हें, बताओ। हाँ हाँ, भाग गया सर। मैंने उसके पैर पे गोली चलाई पर हाथ से निकल गया वो। कोई बात नहीं, दया पता चल गया खूनी कौन है। Let's go. देखिए, अभी प्यार से कह रहे हैं, अभी आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, बाद में जहां जाना हो आपको चले जाइए। पर आप लोग हमें बार बार क्यों बुला रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि खून यहाँ पे हुआ है, समझे? पर हमने थोड़ी किया है खून। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमने खून किया है। हमें तो ये भी पता नहीं लग रहा है कि खूनी ने बॉडी को, लाश को ऊपर पहुँचाया कैसे, पाइप के ऊपर। अगर ये पता चल जाए कि लाश ऊपर गई कैसे, तो क्या खूनी मिल जाएगा? तो शायद पता लग सकता है कि खून हुआ कैसे। इतने दिन हो गए खून होके और आप अभी तक उसी में अटके हुए हैं कि खून हुआ कैसे? मैम, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं। सर, हमें ऐसा लगने लगा है कि आप लोग कभी पता ही नहीं लगा पाओगे कि खून किसने किए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग ये क्यों नहीं कह रहे हो कि आप लोग से केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है? सर, आप सिर्फ हमें 5 मिनट दीजिए सर, इन लोगों के साथ ऐसे ऐसे चोट खुलवाऊंगा इनका। यार यही तुम्हारी बुरी आदत है, हर एक की गर्दन मरोड़ोगे तो पता कैसे चलेगा कि खून किसने किया है। दर्शांत हो जाओ। देखो, अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो शायद हम पता लगा सकते हैं कि ये खून किया किसने। चलो एक काम करते हैं, हम उसी वाकया को दोहराते हैं जब खूनी ने लाश को पाइप के ऊपर रखे। क्या
क्यों दे? ठीक है, टॉनिक खाओ। समझो कि तुम अतुल हो और तुम्हारी बॉडी को ऊपर रखा जा रहा है ना? चलो। ये कैसा घिनौना मजाक कर रहे हो आप लोग? आप लोग होश में तो हैं? बिल्कुल होश में है ना, बिल्कुल होश में। क्यों रोनी, हमारी मदद नहीं करोगे अपने भाई के खूनी को ढूंढने के लिए? सर करना चाहता हूँ लेकिन अब मेरे पाँव में दर्द है। अरे दर्द छोड़ो यार, खूनी को ढूंढना है कि नहीं? चलो। अरे अब सर 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 मैंने कहा ना मेरे पाँव में दर्द है। कहाँ दर्द है? यहाँ। देखो सर सर सर, अरे क्या हुआ? सर मुझे चोट आई है। चोट लगी है या गोली लगी है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बकवास हम कर रहे हैं। अतुल मेरा सौतेला भाई था। सौतेला भाई भाई नहीं होता? भाई होने का कोई फर्ज नहीं निभाया उसने। सारी प्रॉपर्टी वो अपनी पत्नी स्नेहा के नाम कर देने वाला था। तो प्रॉपर्टी के लालच में खून कर दिया? और मैं कर भी क्या सकता था, भिखारी जैसी हालत बना दी थी उसने मेरी। एक एक रुपए का मोहताज कर दिया था उसने मुझे। और इसीलिए तुमने प्लान बनाया, अतुल को मारने का प्लान। और तुम गए रघु के पास, वार्ड बॉय रघु, जिसने अतुल को किसी तरह इंजेक्शन लगा दिया है ना? हाँ। उसे मालूम था कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, क्योंकि वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम कर चुका था। हाँ। मगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया। रघु लाश को बाहर ले ही नहीं गया, उसने लाश वहीं रख दी पाइप के ऊपर। हाँ, ना वो ऐसी बेवकूफी करता और ना ही मैं पकड़ा जाता। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने अपने भाई का खून करवाया? मगर रघु को मारने की क्या जरूरत थी? ब्लैकमेल करने लगा था वो मुझे, कह रहा था कि सीआईडी को जाकर सब कुछ बता देगा, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया। तुमने दो दो खून किए, तुम्हें तो फांसी होगी। If you want to enjoy more Desi Crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.